अंतगढ़ सूत्र के चौथे अध्ययन से वर्णन कर रहा हूं, सुनिए गौर से। चौथा अध्ययन की जिज्ञासा हुई जम्बू स्वामी को, फरमाया सुधर्मा स्वामी ने कि भगवान महावीर स्वामी की मौजूदगी में राजा गृह नगरी राजा श्रेणी चेलना रानी और उस नगरी में एक और गाथापति जिसका नाम है काश्यप गाथापति, उन्होंने भी भगवान की वाणी सुनी संसार को छोड़ने का और परमात्मा से अपना आत्मा का संबंध जोड़ने का, है ना? ये संबंध जोड़ा है, सब कुछ सुख सुविधाओं को छोड़कर त्याग के रास्ते पर चलना, महावीर को अपना देव अरिहंत अपना परमात्मा अपना सदगुरु अपना परम गुरु मानना और दीक्षा धारण करना और 16 वर्ष तक संयम की पालना करना और आखिरी विविध प्रकार के गुण रतन आदि तपस्याएं करना और बाद में विपुल गिरी पर्वत पर जाकर के 1 महीने का संथारा करके अपनी आत्मा को अजर अमर करना। पांचवा अध्ययन क्षेमक नामक गाथापति का। क्षेमक ये काकंदी नगरी के रहने वाले हैं, इन्होंने भी 16 वर्ष का संयम पर्याय पाला, भगवान महावीर के सानिध्य में दीक्षित होकर के 16 वर्ष तक चरित्र की पालना की और अंतिम में विपुल गिरी पर्वत पर 1 महीने का संथारा करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। छठा अध्ययन धृतिधर। धृतिधर ये साकेत नगरी के गाथापति हैं, इन्होंने भगवान के चरणों में दीक्षा ली, 12 वर्षों तक संयम की पालना की और विपुल गिरी पर्वत से सिद्ध हुए। सातवां अध्ययन है कैलाश। कैलाश गाथापति का, ये साकेत नगरी के निवासी हैं, इन्होंने भी 12 वर्ष का संयम पाला, हरिचंदन साकेत नगरी 12 वर्ष का संयम विपुल गिरी से सिद्ध, वारत ये राजगृह नगरी 12 वर्ष का संयम पाला और विपुल गिरी पर्वत से सिद्ध हुई है, सुदर्शन वाणिज्य ग्राम, वाणिज्य ग्राम यानी एक गांव है, गांव तो यहां पे भी लगता है वड़गांव, पर ये वाणिज्य गांव या वाणिज्य ग्राम के रहने वाले थे। 5 वर्ष तक इन्होंने संयम की पालना करी और 5 वर्ष में अपनी आत्मा को भावित किया और विपुल गिरी से सिद्ध हुए। पूर्णभद्र इनका भी गांव वाणिज्य ग्राम, 5 वर्ष का संयम और विपुल गिरी पर्वत से सिद्ध हुए। और सुमनभद्र श्रावस्ती नगरी के रहने वाले थे और इन्होंने कई वर्षों तक चरित्र का पालन किया और अंत में विपुल गिरी पर्वत पर अंतिम श्वासोश्वास में अपनी आत्मा को मुक्ति में ले गए। सुप्रतिष्ठित सुप्रतिष्ठ गाथापति ये भी श्रावस्ती नगरी के रहने वाले हैं, इन्होंने 27 वर्ष 27 साल तक चरित्र की पालना की यानी साधु पर्याय में रहे श्रवण पर्याय में रहे और अंत में विपुल गिरी पर्वत पर अंतिम श्वासोश्वास के साथ मुक्ति के अंदर गए। चौदवा अध्ययन मेघ नामक गाथापति का है, ये राजगृह नगरी के रहने वाले हैं और कई वर्षों तक इन्होंने चरित्र की पालना की और अंतिम समय में विपुल गिरी पर्वत से मुक्ति के अंदर चले गए। इन सभी का वर्णन एज ए टी किसकी तरह, मकाई नामक गाथापति की तरह, जो मकाई नामक गाथापति ने किया सेम सिचुएशन, वही तपस्या, उसी तरह से त्याग, उसी तरह से परिवार को छोड़ना, बड़े लड़के को सौंपना, ये सब वही काम जो मकाई नामक गाथापति ने किया वो इन सभी ने किया। अब 15वां अध्ययन जो आज विशेष रूप से आ रहा है अति मुक्त अनगार का, जिनको हम एवंता कुमार भी कहते हैं, अति मुक्त अनगार भी कहते हैं क्योंकि 2 अति मुक्त अनगार हैं, एक भगवान अरिष्टनेमी के समय भी हुई है और ये भगवान महावीर के समय में हुई है, फर्क इतना बनता है इनको हम प्यार से एवंता कुमार कहते हैं, बस एवंता कुमार कहते हैं इनको। अब इनके जीवन की कहानी सुन लीजिए। एवंता कुमार पहले माता पिता का परिचय और जिस नगरी में जन्म लिया उस नगर का परिचय, भगवान महावीर स्वामी जिस समय इस धरती पर विचरण कर रहे थे उस वक्त
इसी भारतवर्ष के अंदर एक पोलासपुर नाम का एक नगर था, जहां पर एक विजय नाम के राजा राज्य किया करते थे। विजय नाम के राजा, उनकी महारानी का नाम था श्री देवी। श्री देवी महारानी और विजय नाम के राजा, इनके एक ही पुत्र था जिसका नाम था एवंता कुमार। एवंता कुमार जन्म हुआ, थोड़े पलने लगे और पलने से बाहर आए। एक होता पालना, पालने से बाहर आए यानी अब अपने पांव पर चलने लगे। धीरे धीरे उम्र उनकी 8 और 9 साल की हो गई और संयोग ऐसा हुआ, उस वक्त भगवान महावीर अपने प्रधान शिष्य गौतम स्वामी के साथ विचरण करते करते पोलासपुर नगर के बाहर श्रीवन नाम के उद्यान में विराजमान हुए। 14,000 संतों का मालिक गौतम स्वामी स्वयं गोचरी के लिए, भिक्षा के लिए अपने भगवान की आज्ञा लेकर पोलासपुर नगर की ओर प्रस्थान किया। आप कह सकते हो कि जिसके 14,000 शिष्य हों, जो गणधर हैं, गणधर का मतलब गण का मालिक है, और शिष्यों की जितनी भी जिम्मेवारी है वो गणधर के ऊपर होती है, तीर्थंकर के ऊपर नहीं होती। तीर्थंकर किसी भी जिम्मेवारी को अपने ऊपर नहीं लेते क्योंकि वो निष्पक्ष होते हैं, वो केवल प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शक होते हैं और कुछ नहीं, और कोई दखलंदाजी नहीं। कहीं पर भी कोई बीच में घुसना, दखलंदाजी नो, क्योंकि ये दखलंदाजी करना ये वीतराग का धर्म नहीं है। ये टोका टाकी करना, रोका राकी करना, ये वीतराग का धर्म नहीं है। वीतराग जो अरिहंत होता है वो केवल उपदेश देता है, संदेश देता है, कभी भी आदेश नहीं देता। तीर्थंकर कभी आदेश नहीं देता। आदेश होते हैं गणधरों के, जो गण का मालिक है, इसलिए उनको गणधर कहा है। और केवली होने के बाद गणधर केवली बन जाता, फिर गण की व्यवस्था वो खुद नहीं संभालते। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, उसी समय मध्यान रात्रि के अंदर दिन निकलते निकलते गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। तो केवल ज्ञान होने के बाद आपने गौर किया कि गौतम स्वामी तो रहे लेकिन आचार्य के पाठ के ऊपर वो नहीं बैठे। प्रथम आचार्य कौन बने? आर्य सुधर्मा स्वामी, गणधर सुधर्मा, क्योंकि अब गौतम स्वामी केवली बन गए हैं, वो गद्दी के ऊपर नहीं बैठ सकते थे। तो आचार्य कौन बने? हमारा प्रथम आचार्य जो था वो है गणधर सुधर्मा स्वामी। तो आप कह सकते हो गौतम की मौजूदगी में, गौतम स्वामी की मौजूदगी में सुधर्मा स्वामी को आचार्य क्यों बनाया? उसका जवाब ये है, क्योंकि गण की व्यवस्था देखने के लिए किसी को टोकना भी पड़ता है, किसी को रोकना भी पड़ता है, किसी को समझाना भी पड़ता है, और समय को, माहौल देखना भी पड़ता है। तो अब इसी का जवाब यहां दे रहा हूं कि 14,000 संतों का मालिक होते हुए गौतम स्वामी गोचरी के लिए क्यों निकले? इसका जवाब है किसी के पास? इसका एक ही जवाब है कि जब भगवान महावीर किसी भी क्षेत्र में पहली बार जाते थे, रिपीट, पहली बार जहां जाते थे वहां गौतम स्वामी खुद आहार पानी को जाया करते थे। क्यों जाते थे? गौतम स्वामी इसलिए जाते थे कि एक बार वो नगर देख लेते थे कि यहां के लोगों की कैसी भावना है, कहां से कितना लेना है, कहां से नहीं लेना है, कहां से छोड़ना है, कहां से कितना लेना है। ये विवेक अगर किसी के पास है तो वो गौतम स्वामी के
पास था मेरे संत, क्योंकि फिर भी वो चार ज्ञान के धारी हैं, 14 पूर्वों के ज्ञाता हैं, इतना तो विवेक है उनके पास, क्योंकि गोचरी करना भी एक विवेक का काम है, वो भावना देखनी पड़ती है। तो जब पहली बार भगवान जहां विचरण करते हुए जाते थे तो गौतम स्वामी आहार अपनी ओर से जाते थे, व्यवस्था देखते थे भाई कैसा क्षेत्र है और क्षेत्रवासियों की कैसी भावना है, कैसी भावना है, भावना देखा करते थे वो। भावना बहुत बड़ी चीज है, अरिहंतों की साधना होती है और संतों की भावना होती है। साधना के अंदर, साधना एक अलग चीज है और भावना एक अलग चीज है। आत्मा की साधना होती है, लेकिन संतों को यह कहा कि भावनाओं के ऊपर ध्यान रखें आप। भावना बड़ी प्रबल होती है, भावना प्रेम से जुड़ी हुई है, क्योंकि साधना में हम किसी को इग्नोर कर सकते हैं लेकिन भावना में हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भावना का बड़ा महत्व है धर्म के क्षेत्र में। और आपने देखा होगा संतों की साधना होती है, श्रावकों की, वेरी गुड, चार चीजें हैं ना, ज्ञान दर्शन चरित्र और तप, ये संतों के लिए बताया है, दान शील तप और भावना, ये किसके लिए, श्रावकों के लिए, दान शील तप भावना ये श्रावकों के लिए बतलाया गया है। वहां दान श्रावक दे सकता है, शील की पालना भी आप कर सकते हो, दान शील तप तपा सकते हो, अपने आप को जांच सकते हो अपने आप को, और भावना, भावना भाने का भाव आपके पास है, और इसी भावना के आधार पर कहीं कहीं आप लोगों को हमसे भी ज्यादा बड़ा दर्जा दिया गया है, क्योंकि आपको हमारा बोलो मां बाप का है, मां बाप, मां बाप का व्यवहार जैसे आप व्यवहार अपने बच्चों के साथ करते हो ना, ऐसा व्यवहार आप अपने संतों के साथ किया करो, लेकिन बहुत फर्क कर जाते हो आप। अपने बच्चे की कमी को आप छुपा जाते हो और संतों की कोई कमी नजर आ जावे तो फोन के ऊपर बताने लग जाते हो, अरे मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। ये देखो, जांचो जरा अपने आप को, आप अपने बच्चों की कमियां छुपा जाते हो कहीं मेरे बच्चे की बदनामी ना हो जाए, और आप कभी कभी अपने संतों की बुराई कर जाते हो। तब उस वक्त सोचा करो, भगवान ने हमको क्या बनाया है, मां बाप का दर्जा दिया है, इतनी उच्च भावना कि मैं कोई ऐसी बात ना कहूं जिसकी वजह से किसी की भावना खराब हो जाए, वेरी गुड। तो गौतम स्वामी आहार को निकले और सभी घरों में घूमते घूमते, और संयोग ऐसा हुआ कि उसी दिन जिस दिन गौतम स्वामी बेले के पारने के लिए आ रहे थे पोलासपुर नगर के अंदर, उसी दिन एवंता कुमार सज धज कर अपनी हम उम्र के बच्चे बालक बालिकाओं के साथ, कुमार कुमारिकाओं के साथ, सेठों के लड़कों के साथ, जो से हम उम्र के दोस्त थे उनके साथ घूमने के लिए, खेलने के लिए एक इंद्र स्थान पर, क्रीड़ा स्थान पर, खेलने की जगह पर पहुंच गए और खेल में सब बच्चे मस्त हैं, और उसी वक्त संयोग से गौतम स्वामी उस बाग की से या उद्यान से, क्रीड़ा स्थान से, खेल के मैदान के निकट से गुजर रहे थे। बच्चे खेल में मस्त हैं, लेकिन नजर पड़ गई एवंता कुमार की गौतम स्वामी के ऊपर। वो देखा, अरे भाई ये कौन, हाँ बतला रहा हूं आपको, तुम मार्केट में अपने अपने कपड़े पहन के निकल जाओ, कोई तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देता, हाँ, लेकिन बाजार से अगर हम निकल जाएं तो हमारी तरफ सबका ध्यान जाता है, क्यों, हमारी ड्रेस तुम्हारे को, तुमसे हमको क्या करती है, अलग करती है, हम भीड़ में भी अलग से नजर आते हैं। और इतनी भीड़ भरी हुई है, मुझे नहीं पता कौन किसकी घरवाली है, कौन किसकी माँ है, मुझे क्या पता, लेकिन इस भीड़ में अगर हम बीच में भी बैठे हों तो सबको पता चल जाएगा ये हमारे संत हैं, ये हमारे साधु हैं। यानी इस पोशाक की वजह से, मुखवस्त्रिका की वजह से हम बिल्कुल भीड़ से अलग नजर आते हैं। तो भीड़ में जब देखा गौतम स्वामी को जाते हुए,
तो एवंता कुमार ने कहा, पहली बार देखा है, ये है कौन, कौन है ये? खेल छोड़कर तुरंत उनके पास आ गए और आगे खड़े हो गए। आगे खड़े हो गया एवंता कुमार और कहा गौतम स्वामी को, रुको रुको, राजकुमार है, हक है भाई उसका, राजगद्दी का मालिक है। पहला ही सवाल, आपको हमने पहली बार देखा है, आप कौन हो? आप आम इंसान तो नहीं हो, आम लोग तो नहीं हो, आप हो कौन? ये पहला क्वेश्चन किया है एवंता कुमार ने किससे? गौतम स्वामी से। इस सवाल को सुनकर गौतम स्वामी ने यह नहीं सोचा, मैं 14 पूर्वों का ज्ञाता, 4 ज्ञान का धारी भगवान महावीर स्वामी और 14,000 संतों का मालिक, ऐ छोटे से बच्चे का जवाब देना कोई जरूरी कोई है? नहीं, यहीं पर पता चलता है कि कौन कितना श्रेष्ठ होता है, कौन कितना ऊंचा होता है। जो छोटे को भी ऊंचा माने वही असली ऊंचा होता है, और यही ऊंचाई दिखाई मेरे गौतम स्वामी ने। एकदम रुक गए, बोलो कौन हो? कहा कि हम निर्ग्रंथ हैं, हम साधु हैं, हम संत हैं। ओ तो आप साधु हैं जी, जी राजकुमार जी, हम साधु हैं। ये हाथ में क्या पकड़ रखा है? नके जी, हाथ में हमने पात्र पकड़ रखा है, पात्र। इस पात्र में क्या करते हो? इस पात्र में हम भोजन लेते हैं। छोटे छोटे सवालों का जवाब दे रहे हैं गौतम स्वामी, भोजन लेते हैं। ओ तो भोजन लेते हो आप, तो आप एक घर में नहीं जाते क्या? नहीं, हम कई घरों में जाते हैं, थोड़ा 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 लेते हैं। ओ जी, फिर रजो हरण था, ये क्या झाड़ूसी है? इसको देखा का कि ये क्या है, कि भाई ये रजोहरण है, रजोहरण इसका काम क्या है? इसका काम है ये बहुत कोमल होता है, तो जहां हम बैठते हैं वहां जगह को साफ करते हैं, किस लिए? ताकि कोई जीव, कीड़ी मकोड़ा, छोटे छोटे जीव ना हो, उनको साफ करके कोई हमारे नीचे आकर ना मरे, उनकी हम रक्षा करते हैं। ओ तेरे की वाह भाई, कमाल है, आप छोटे छोटे जीव की भी इतनी चिंता करते हो। हाँ क्यों? क्योंकि हम साधु हैं। ओ कई सवाल किए, मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहूं, चलोगे? और सुनो, जो मेरी मां है ना श्री देवी, भोजन ऐसा बनाती है मैं तो चाटता रह जाऊंगा, रह जाता हूं, और आपको भी बहुत मजा आएगा। जबकि संतों को इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन उसकी बात बड़े गंभीरता से सुन रहे, बड़े प्यार से सुन रहे हैं कि ठीक है, जहां तुम ले चलोगे हम चलते हैं। हैं? हाँ। और देखिए उस वक्त गौतम स्वामी की उंगली किसने पकड़ी? एवंता कुमार ने। जबकि शास्त्र का यह नियम है कि गृहस्थी कभी साधु की उंगली पकड़कर नहीं चल सकता, साधु भी कभी कभी गृहस्थी के कंधे पर हाथ रखकर नहीं चल सकता, ये नियमावली है। पर लेकिन 14 पूर्वों का ज्ञाता वो ये जानते हैं, ये मेरे उंगली पकड़ रहा है, अगर मैं झटके से छुड़ा दूंगा तो इसका दिल, हाँ, साधु बाल स्वभाव की कितनी चिंता, क्योंकि इस समय अगर इसको जो ठेस पहुंच गई तो ये ठेस कभी भी तोड़ सकती है। और आप इसकी जुड़ी हुई एक बात मिलती है बौद्ध धर्म में, कि एक बार भगवान बुद्ध जा रहे थे रास्ते में, रास्ते के अंदर 8-10 बच्चे गांव के मिट्टी के खिलौने बना बना करके खेल खेल रहे थे, और दो दल बने हुए थे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिट्टी होती थी, मिट्टी के खिलौने होते थे, मिट्टी के घर होते थे, वहां पर 10 बच्चे एक तरफ, 10 बच्चे एक तरफ, और वहां पर क्या चला रखा था उन बच्चों ने, एक लड़के वाला था, एक लड़की वाला था, बच्चे, अरे बच्चे देखो, एक लड़का वाला एक लड़की वाला, दोनों अपने गुड्डे गुड़िया की क्या कर रहे थे? शादी कर रहे थे, और मिठाइयां भी बड़ी गजब की, हाँ वो भी किसकी? मिट्टी की। हाँ, कोई हलवाई कोई बैठा रखा था वहां, मिट्टी की, नाम लिख रखे थे लड्डू रसगुल्ला,
पनीर मसाला, ये चीजें नाम लिख रखे वहां पर, और पूरी तैयारी, बरात आने को तैयार है। इतने में महात्मा बुद्ध नजर आ गए। लड़के के बाप ने देखा, उधर लड़की के बाप ने देखा, भाई बहुत अच्छा मुहूर्त है, दोनों हमारे बच्चों की शादी के बीच में एक महान आत्मा आ रहे हैं, चलो इनको बुला करके लाते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलाते हैं और फिर हम उनको आहार बहराते हैं। पहुंच गए, बाबा जी नमस्कार, बड़े अच्छे मुहूर्त पर आए, हमारी गुड्डी का विवाह है। दूसरा बोला, मेरे गुड्डे का विवाह है। तो बोले महात्मा बुद्ध, तो क्या करना है, पधारो आशीर्वाद दो बच्चों को। तो मिट्टी के गुड्डे बना रखे, उनका आशीर्वाद दो। तो कहते महात्मा बुद्ध ने उन गुड्डे गुड्डिया को क्या दिया, आशीर्वाद दिया, तुम्हारी दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। अजी बच्चे खुश, भाई बाबा बहुत अच्छा। जितनी भी मिठाई है, एक एक मिठाई सब दो, और वो भी मिट्टी की मिठाई। महात्मा बुद्ध ने इनकार नहीं किया, अपना बर्तन नीचे रख दिया, उसमें मिट्टी की मिठाई डाल रहे हैं, और महात्मा बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, सोच रहे हैं, आज ये बच्चे मिट्टी की मिठाई दे रहे हैं, देने के भाव रहे तो कभी ना कभी असली मिठाई भी देंगे। ये भाव है, इनके भाव नहीं टूटने चाहिए। तो उस वक्त गौतम स्वामी की उंगली पकड़ी और खींचते हुए ले जा रहे, चलो मेरे घर, और चल पड़े, उंगली पकड़ा दी, चल पड़े, आवाज दी दूर से, देखवा कौन आया। जबकि हमारे यहां आवाज देना मना है, लेकिन उस वक्त, इसलिए कहता हूं कि जैन साधना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार होती है। श्री देवी बाहर आई, बंदन नमस्कार किया, आहार पानी बहराया, और एवंता कुमार को कहा कि आज तुम भगवान को यहां ले आए, और क्या भगवान होंगे तुम्हारे, हमारे तो दोस्त हैं, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, क्या गजब की बात करी इन्होंने। और आपको बता देता हूं, छोटा बच्चा कभी भी अपने आप को बच्चा नहीं समझता, वो तो तुम समझते हो ना बच्चा, बच्चे तुम समझते हो, वो नहीं समझता अपने आपको बच्चा। तुम बार बार कहते हो बच्चा है बच्चा है, और ये सुन सुन के बच्चा चिढ़ जाता है, जब देखो हमें बच्चा ही बताते रहते। आहार लिया, बाहर छोड़ने आए, फिर कहा रुको, अब तुम जाओगे कहां, ये तो मैंने पूछा नहीं, तुम जाओगे कहां, कहा कि मैं अपने गुरु के पास जाऊंगा। हैं, यानी आपके गुरु जी भी हैं? बिल्कुल, क्योंकि बिना गुरु के कोई शिष्य होता ही नहीं। अरे वाह, फिर तो तुम्हारे गुरु जी तो तुम्हारे से भी अच्छे होंगे, क्योंकि उनके तो पूछो ही मत। हैं, बिल्कुल, क्या हम उनके दर्शन कर सकते हैं, क्या हम उनके पास बैठ सकते हैं, क्या हम उनका चरण छू सकते हैं, बिल्कुल, भगवान है वो, लेकिन फिर भी बच्चे के समान साथ में रहते हैं। भगवान महावीर को देखने की उत्कंठा में एवंता कुमार गौतम स्वामी के साथ चल दिया, और जब उन्होंने भगवान को अपना लाया हुआ आहार दिखाया, वो तो चले गए, और एवंता कुमार वहीं बैठ गया, और भगवान महावीर को पहली बार अपनी खुली आंखों से देखा, और उनके जो शुभ परमाणु हैं, उन परमाणुओं ने एवंता कुमार को छुआ, उनकी नजरों में जो मिठास है, मैत्री भाव जो है, अनुकंपा भाव है, करुणा भाव है, संभाव है, स्वभाव है, वो देखो जी कमाल हो गया। जैसे ही नजरों से नजरें मिली, एवंता कुमार की भगवान महावीर से जब नजर से नजर मिली, वहां का जो सुरम्य वातावरण देखा, ओ बच्चा झूम गया, और उस आनंद में एवंता कुमार अपने मां बाप को भी भूल गया। भगवान ने उपदेश सुनाया उस बच्चे को उसी की भाषा में, उपदेश सुनकर और मस्त हो गया, और देखो बोध जाग गया, बोध हो गया, चरणों में प्रणाम किया और कहा भगवान आपके पास आकर
जो मुझे आनंद मिला, जो अनुभूति हुई, उसे मैं बयान नहीं कर सकता। छोटा सा बच्चा बोल रहा है जिसकी उम्र केवल 8-9 साल की ही है, मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूं। छोटे बच्चे ने कहा मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूं। महावीर ने कहा अहा सुहम देवानो पिया, लेकिन हम मां बाप की आज्ञा के बिना किसी को साधु नहीं बनाते। टेंशन मत लो, जबकि भगवान को क्या टेंशन होनी है, टेंशन मत लो। मेरी मां मेरी मानती है, जिस चीज के ऊपर मैं हाथ रख देता हूं वो चीज मुझे ला करके देती है, मेरी खुशी का ध्यान रखती है मेरी मां, क्योंकि वो मेरी मां है। वेरी गुड, वो मेरी मां है। मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, चल दिया गुनगुनाता नाचता गाता कूदता पहुंच गया महल में और मां से चिपक गया और कहने लगा मां मुझे एक चीज बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई, वो मुझे चाहिए। क्या चाहिए? मुझे भगवान महावीर चाहिए, मैं उनके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूं। ओए होए, इतना सुनते ही श्री देवी ने कहा ए जी सुनते हो, समझ गए, ए जी सुनते हो, यानी विजय राजा को बोला अजी सुनते हो, क्या बोल रहा है ये मुन्ना, ये देख क्या बोल रहा है, लंगोट बांधनी नहीं आती साधु बनेगा। विजय भी आ गया, राजा विजय आए, क्या बोला तूने, साधु बनूंगा, तुझे पता भी है साधु कौन, जो धर्म को जानता है वही साधु बन सकता है, तू तो अभी अबोध है, बालक है, तो भगवान के चरणों से आया है, इतना तो समझ आ गया उसको। कहा सुनो जी आप हमारे कद पर ना जाओ, आप हमारे कद पर ना जाओ, आप हमारी उम्र पर मत जाओ, आपको मालूम है जिसको मैं जानता हूं उसी को मैं नहीं जानता, जिसको मैं जानता हूं उसी को मैं नहीं जानता, और जिसको मैं जानता हूं जिसको मैं नहीं जानता उसी को मैं जानता हूं। हैं? दोनों मां बाप के कान खड़े हो, क्या गया तुझको, क्या बोल रहा है, आ गए ना चक्कर, यानी तुम्हारी सोच उतनी भी नहीं है जितनी सोच मेरी है। ये तूने बोला क्या, जिसे मैं जानता हूं उसी को नहीं जानता, जिसे नहीं जानता उसी को मैं जानता हूं, मतलब क्या है कि सुनो एक शर्त पर बताएंगे हम अपने ही सवाल का जवाब अगर हम दे तो आप हमें साधु बनने की इजाजत दोगे। अरे बाबा पहले बोल तो सही, तूने बोला क्या कि सुनो जिसे मैं जानता हूं उसी को मैं नहीं जानता, यानी मैं ये जानता हूं कि जिस आदमी का जन्म हुआ है वो एक ना एक दिन मरेगा, जिस आदमी का जन्म हुआ है वो एक ना एक दिन मरेगा, ये मैं जानता हूं, पर ये नहीं जानता कि वो कब मरेगा, कहां मरेगा, कैसे मरेगा, क्यों मरेगा, ये नहीं जानता, पर ये जरूर जानता हूं जिसका जन्म हुआ है वो एक ना एक दिन जरूर मरेगा। मैं ये नहीं जानता कि किस कर्मों की वजह से आदमी नरक में जाता है, देवलोक में जाता है, त्रियंच में जाता है, मनुष्य गति में जाता है, मैं ये नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको वैसी गति में जाना पड़ता है। ओ तेरे की वाह वाह भाई वाह, मान गए। मां बाप की तरफ आंख फाड़ के देखने लगा, देखो मां तूने एक बार मुझे कहा था कि बेटा जिस पर भी तू हाथ रख देगा वो चीज तुझे मैं तुम्हें ला करके दूंगी, अब वो वक्त आ गया अपना वचन निभाने का, मुझे महावीर की शरण चाहिए और उनकी शरण के लिए
उनके सानिध्य के लिए और उनसे अपना मन वचन तन का संबंध जोड़ने के लिए जैन भागवती दीक्षा चाहिए। बच्चे को हर तरह से समझाया लेकिन बच्चा उनके झांसे में नहीं आया। आप अपने बच्चों को संभाल के रखना, क्योंकि मैंने एक चीज देखी अपने लोगों में, दूसरे का लड़का दूसरे की लड़की अगर साधु साध्वी बने, धन्य हो महाराज, धन्य हो इसके मां बाप को, धन्य हो, और तुम्हारा खुद का बने तो अंदर गड़बड़ हो जाती। चलो छोड़ो, बाप ने एक ही बात कही कि इकलौता बेटा है, एक बार तो तू राजा बन जा, राजा बन के जो तेरे मन में आए वो करना, स्वीकार कर लिया। राज महोत्सव हुआ, राजा अभिषेक हुआ, राजा बना, छोटा सा 9 साल का बच्चा राज गद्दी पर बैठा और राज गद्दी पर बैठते ही पूछा, क्या चाहिए मेरे बेटा? कुछ नहीं, हमको दीक्षा लेनी है, हमको भगवान महावीर चाहिए, हम उनके पास जाना चाहते हैं। तब माँ बाप ने कहा, अब इस बच्चे को बांधा नहीं जा सकता। धूमधाम से दीक्षा हुई, कई वर्षों तक चरित्र की पालना की, अनेक प्रकार की तपस्याएं की और अंतिम समय में विपुल गिरी पर्वत से वो मुक्ति में गए। और इसी का एक प्रसंग भगवती सूत्र के अंदर आता है, वो भी एक आगम है, वो आपने सुना भी होगा और कई भ्रांतियां दूर करता है। ये उदाहरण हमारी तुम्हारी चेतना को जागृत कर सकता है, कईयों की खोपड़ी खराब हो उसको भी संभाल सकता है। भगवान महावीर के चरणों में दीक्षित हो गया है एवंता कुमार, जंगल में रहते हैं, वनों में रहते हैं, उद्यान में रहते हैं, श्री वन में रहते हैं, उनके साथ और भी साधु हैं, और भी स्थिर मुनिराज हैं, सुबह सुबह निमटने के लिए गए होंगे, एक दिन पहले बारिश हुई होगी, हाथ में पात्री होगी, पानी उसमें भरा होगा, साधु तो अपने धंधे लग गए, समझ गए, धंधा जो सुबह सुबह होता है वो लग गए, निमटने चले गए। अब बच्चे को तो आई नहीं, बच्चे को तो आई नहीं, और बच्चे को आई नहीं तो खाली खड़ा क्या करे। सामने क्या देखा, एक नदी बह रही है, पानी बह रहा है, एक तालाब में पानी इकट्ठा हो रखा है। तो उसी समय क्या हुआ कि मिट्टी खोदी और एक छोटी सी पाल बांध दी, और पाल इसलिए बांध दी कि पानी बहुत है, कहीं मेरी पात्री दूर ना चली जावे, उसको रोकने के लिए क्या कर दी, एक बाउंड्री बना दी, एक पाल बांध दी और पात्री पानी में डाल दी और पानी हाथ से हिला दिया। पानी जब हिला तो पात्री हिली, पात्री चली, और पात्री जब चली, ओ हो हो हो, छोटे छोटे कदमों पर नाचने लगा, खुश होने लगा, तालियां, जबकि साधु ताली बजाने, ताली बजाने लगा, नाचने लगा। आ भाई, नाव चली मेरी, नाव चली भाई, नाव चली मेरी, नाव चली। उसको जब नाचते हुए देखा, संतों ने देखा, माथा पीटा, अरे हम पहले कह रहे थे भगवान को, बोला नहीं वैसी बोल रहे होंगे अंदर। तो कहते उस बच्चे को वहीं छोड़कर संत चुपचाप चले गए। जब बहुत देर हो गई तो एवंता कुमार को कहा कि गुरु महाराज जो साथ में थे वो कहां गए, लगता वो सब चले गए। उधर एक सवाल किया उन्होंने भगवान से, इधर से एवंता कुमार आ रहे हैं, उधर से एक सवाल किया उन स्थिर मुनिराजों ने, और मालूम है सवाल किस ढंग से किया कि भगवान हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जिसको आपने 2 दिन पहले दीक्षा दी है, जिसका नाम अतिमुक्त एवंता मुनि है, वो इस जन्म में मुक्ति में भी जाएंगे या नहीं, वो तारनहार है भी या नहीं, क्योंकि वो तो क्रियाओं के आधार पर ही चिंतन कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा, मुनिराजों उसकी बाल चेष्टा के ऊपर उसकी निंदा नहीं करनी, वो बहुत सरल है और तारण
हार है और इसी जन्म में वो मुक्ति में जाने वाला है। उसके प्रति निंदा के भाव लाकर उसकी असाधना नहीं करनी। जब भगवान ने बोल दिया, स्थिरों ने सुन लिया, जो गुस्सा आया था एवंता मुनि पर, उस गुस्से की आलोचना की और उसके सामने गए, कहा कि हमने आपको बुरा माना, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। इस प्रकार मुक्ति में वो गए। ये प्रसंग है। 16वां अध्ययन बनारस नगरी का है। अलक्ष नाम के राजा हैं, महावन नाम का उद्यान है। भगवान बनारस नगरी में भी गए, वहां पर अलक्ष राजा को प्रतिबोध दिया, दीक्षा ली, उन्होंने भी अपनी आत्मा का कल्याण किया। इसी प्रकार 7वां वर्ग है जिसमें 13 नाम बताए हैं। उन 13 के नाम हैं नंदा, नंदवती, नंदोतरा, नंद श्रेणिका, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवा, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमनातिका और भूत दिन्ना, भूत दत्ता। ये 13 की 13 राजा श्रेणी की रानियां हैं। इन 13 ने भगवान के चरणों में उपदेश सुना, वैराग्य धारण किया, विविध प्रकार की तपस्याएं की और अंत में संथारे के साथ मुक्ति के अंदर गई। इस प्रकार आज 6ठे दिन में 7 वर्ग पूरे हुए और कल 8वें वर्ग में क्या वर्णन आएगा ये हम कल सुनेंगे। आपने इतनी देर बैठे इसके लिए धन्यवाद।